हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मनी मेराज वाइंस चैनल से एक अनदर वीडियो है ये, जीजा साला। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। वैसे 9 मंथ्स पहले की ये वीडियो है एंड इसकी ओरिजिनल लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुन्ना भैया क्या कर रहे हैं? ज्योति, हाय ज्योति। हाँ, इन्हें आओ। हाँ बोला बाबूजी, बोला। हाँ तो बबिया के मेहमान आवा था, तनी घर उठ बाहर दो। हाँ हाय हाय, तनी इससे घर पे लो आधा किलो मीट ले लिया वो मुर्गा की। हाय सुन, तनी देख के लिए जंगी लिए जंगिया जंगिया कौन है? मैं पहना ला साला चपाट जांग मुर्गा के जांग को नहीं है तो ऐसे कहा ना जंगिया। हाँ ओकरे हम बोली ले, जल्दी जो हम बोली ले, मार दिला मार दे, चोट लगल। हाँ जल्दी जो अनन्की के ले जाइए। घरों के पालतू कुत्ता बनी करे सबका मामू ही करी साले। तू बैठ के मोबाइल चला उधर है आ, तू चला मुर्गा के मीट के। चल मुर्गा के मीट कौन कॉल होगा भाई? हो बाप रे बाप, कौन कॉल होगा भाई? हो जल्दी बताओ। पापा करना मेहमान सर आवता और चार गो मोट मोट गोरी हो चमक करे जी आ पथरी हम अपना ला रखवा ली आई। एकरा बहन का राके हिया के लड़के सा सारा खटिया के तुर के है का हो रे जो ये से। हां सारा खटिया बच्चे को डांट रहे का बोले के का जा इधर संतोष भाई बैठा है जा जा जा। कैसे कैसे भाई बताओ खटिया तू के रख दो। पापा मीट लेनी आधा किलो और दू गो गोड़ी रखनी है मुर्गा के मोट मोट। हाँ ठीक बाजू मतारी के दे बना वाला जाग तो बानी बड़का काम करना ना लोग मुर्गा के गोड़ी ले आनी है एक घंटे बाद। वाह मेहमान, तोरी बहन करा रे प्रणाम। वाह मेहमान, आते रहुआ पूरा घर अनहार कर देनी। मेहमान जी कल जाओ समाचार खुश ठीक बा। मेहमान बैठू बैठे जाओ। मेहमान आओ आओ तू हूं आओ लजा तरह ना 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 ए बैठा अपने घर बा बैठा बैठा तन। चल वो नाश्ता बन ले आओ चल भैया चलो ए आओ आ बैठ। हां थोड़ा साइड हो गया खाओ मेहमान खाओ फोफी बा आलू ही उसनल बा छील के खान। खाओ निमा कांदी का मेहमान। हां निमक लिया ले आई ले रुको। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम। खूब खुश रहो खुश। अरे ज्योति ए मेहमान के आलू फूफी दिले बड़ा ए कोंगो मिठाईयो भी लिया के दे दो। ठीक बा दे तने दो दो मिठाई लिया के दो थोड़ा आवत नहीं मैदान लागल बा तनी मलजारी हो गेल बा। नीमक दोनों भाई उजर का नीमक से खा। मेहमान मिठाइया केने रखले बानी? मिठाइया तो ना मिलल लॉकडाउन के चलते दुकान सब बंद बा। कितना मिठाई चाहिए मेहमान? हम ले आओ तनी लाओ पैसा लाओ। हां हां मिठाई चाहिए दिया भरत चाके दुकान खुला बा हम पीछे में ले आन। हेलो उनी से पैसा लेके फिर लेके आएंगे। ले आओ 1 किलो। चल बेगो प्रीति चल ले आओ। चल भैया खा आलू ये फोफी कोनर घर में बियाह कर बताओ ऐसा ना खइबे तो कैसन खइबे। खो 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 का हो तो दोनों सर्वस के नाम है एगोरा के ज्योति एगोरा के प्रीति आ तोहर मेरालू के नाम मिथिलेश देवी। ई कोन नाम बा हो? नाम के हमरा मुंह मारे मिथिलेश देवी आलू। आई रहल मीट मुर्गा के। हां पानी ले पानी ले ले आओ तनी। खाओ मेहमान खाओ निकाल के अपने से खाओ। लिया पानी ये सामने बैठ के ऐसे देखते रहे। आराम से खाओ रहुए लोगन के खाए के बाद। हाँ आराम से खाओ जितना खाए के बाद उतना खाओ लेकिन मुंह से खाएं। ए महाराज काहे से बोला तन सब केहू तो मुंह से खा ले। मेहमान खाओ 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 हम तो सुनी लेके रहो गार से प्याजो काट दी ले। हाँ।
घीचू घीचू मेहमान सारा सर घीचू जल्दी जल्दी छोड़म ना तई को पूरा खाऊ रे साला छोड़ता ना तो काती खाबे मुर्गा के आर मेहमान अगर लाज लगी तो छोड़िए दे हम कोनो दिक्कत नहीं है खाऊ नाक डुबा के खाऊ कचरू एगो बात कहियो बोल काथी सर तो मेहमान वहाँ अपन इतना कोरिया हुआ पर छोटका भाई हो इतना गोर काहे है रे ऐसा दीदी के सासुआनु गोर है अब बापुआ तो पूरा साला कोरिया लुहाट तब भला वही से मेहमान पूरा झोकरल हो मेहमान पियो कमांडर में पानी पियो कमांडर सब तो खाई गए लोग छोड़ला का झाट तो ठीक बाबू वा लोग अब निकला था नहीं बाबूजी को बुला देता नहीं ओ तो खाली मीट भात खाया रे नहीं चलो प्लेट धो जा बाबूजी बाबूजी जाता रन अच्छा जाइत रे हां बाबूजी अब जाता नहीं हम अरे रख जाओ मैं ना 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 रह देकर का जाओ ओ रख जाओ हे भगवान कैसी सवारी है दुगो ओ त्री गिर गए ओ भाइयो दुगो पान बनाओ तो एगो मीठा एगो जर्दा पान पान नहीं के गुटका बा मेहमान पान तो नहीं के गुटका खालू गुटका में तो खाली हम रजनीगंधा खाइलो रजनीगंधा खाइ सला के मुंह बा बाहर लेकिन रजनीगंधा खाई एकरी बहिन करा मेहमान रजनीगंधा खाए हां खाऊ जवन गंधा खाए बाबू खाऊ जवन गंधा हां भाइयो एक कठा आ जे बिकाई खाऊ खाओ ओ भाई रजनीगंधा दी मेहमान के आएगो मीठा मधु माने एगो रजनीगंधा ला तोरा खेत बेचे के पड़ता है ला पैसा हमरे पैसा दियै ई न भेल मर्दा मर्दी वाला बात ओ भाई चार गो रजनीगंधा और चार गो तुलसी ओरिजिनल लियो मेहमान खाओ तो खाइबा हां भैया खा मन मर्द आदमी नु खा ले अपन पैसा खा तरा बाबू जी के पैसा लेके इतना तेज बने तो अपन रही तो दुकाने में जो ना यह कहियो जा रजनीगंधा खेब झारखंड के नाम दूला ही चलो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट और शेयर करना भूलना नहीं तो गाइज अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पे ये वीडियो खत्म एंड यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी क्योंकि पता है क्या इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली इसे रिलेट कर सकती है जब भी घर में दामाद आता है ना तो उसकी खातिरदारी ऐसे राजाओं वाली होती है एंड जो भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं भाई उनके लिए तो चिकन वगैरह तो उनका फेवरेट फूड होता है ना क्योंकि बहुत सारे लोग
उनको चिकन पसंद होता है, जो नॉन वेज का शौक रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक हमें वीडियो देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त। एंड मतलब जब भी दामाद जी आते हैं उन्हें खातिरदारी उनकी करना, है ना, घर के जितने भी लड़के होंगे साले जिन्हें बोलते उन्हें लगा दिया जाएगा, हाँ जाओ एक जना पान लाएगा, एक जगह मेहमान के जूते मतलब साफ़ ऑफ करके रखो, है ना, और उनका पैर वैर धुलाओ। हमारे यहाँ तो बहुत सारा चीज़ें होती हैं, भाई आए हैं अगर बुआ लोग आती हैं तो उनके पैर धुलाए जाते हैं परात में, फूफा जी लोग उनके पैर धुलाए जाते हैं परात में, भाई पता नहीं कौन से राजा महाराजा देखिए मतलब कि उनके साथ ऐसा बिहेवियर कर जाता है, मतलब होता है यार। जैसे ये होता है ना, पता है एक मजाक की बात यहाँ पर बताऊँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब दामाद की खातिरदारी इसलिए की जाती है क्योंकि तुम्हारे घर का तूफान उसने संभाल रखा है। वैसे रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ मजाक मजाक में तो कुछ भी बोल लो। सो यार आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।